Kijk, ik ga hier om doen natuurlijk. मुंह इतना बड़ा आ रहा है, इतने क्लोज, बड़े ऐसे वो। नहीं ठीक है, लुकिंग स्मार्ट। स्क्रीन पे डबल आता है ना, अभी कोई नहीं आया। आ जाएगी, आ जाएगी। लाइव हो गई? मैं लाइव हूँ। अस्सलाम वालेकुम, सलाम, सत श्री अकाल, नमस्ते, जी आया नू पखैर अगले। सो दिस इज़ मी हयाम अगेन, और आप देख रहे हैं मुझे बहुत लंबे अरसे बाद फंडामेंटल पे। और अभी तो पता है, खुशी से, जज्बात से, एक्साइटमेंट से मेरे जो है ना, ज़ुबान मेरी साथ नहीं दे रही, अल्फाज मेरे साथ नहीं दे रहे। थैंक यू सो मच सलील भार्गव, हमेशा की तरह, हमेशा की तरह वही प्यार और उसी तरह फ़ौरन से सपोर्ट देने का। थैंक यू सो मच। कैमरा वो सीधा करूँगी, आप चाह रहे हैं कि ऐसे कर लूँ, अब ठीक है? थैंक यू सो मच म्यूचुअल फंड एंड कंपाउंडिंग, मैंने भी बहुत मिस किया, थैंक यू सो मच। प्लीज़ इस को अगर हो सके तो शेयर कीजिए बाकी सब लोगों में भी। यार ये इतनी सी बात, क्या बुरी तो नहीं लग रही? मोटी तो नहीं लग रही? थैंक यू सो मच। अभी आज जो है ईद मिलन थी, गेट टुगेदर था, हमारे कुछ खास दोस्त हैं, बहुत ही करीबी, सीधा सीधा कुछ दोस्त हैं हमारे, तो उनकी, हाँ, आज हमारी जो है गेट टुगेदर था, एक छोटा सा। शौकत अली महर साहब है, सीनियर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, और उनके घर हमारे में कुछ हमारे बहुत ही करीबी दोस्त और हम, तो मैंने सोचा कि इस मौके से फ़ायदा उठाया जाए और आप सबसे भी जो है ना मुलाकात हो जाए, क्योंकि मुझे बहुत से मैसेजेस स्टिल इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे आते थे, तो मुझे मज़ीद बहुत तकलीफ़ होती थी ये देख के कि मैं क्यों नहीं आ रही और मुझे आना चाहिए, और मोटिवेशन भी मिलती थी और खुशी भी होती थी ये देख के कि आप लोगों का प्यार अभी तक जो है उसी तरीके से है और बंदा मतलब वैसे ही मेरे साथ है। सो आई एम नहीं, मैं पार्टी में नहीं हूँ, गेट टुगेदर है फैमिली में, घर में गेट टुगेदर है, हमारे बहुत अच्छे जो है वो दोस्त हैं, क्या कहूँ, तो उनके साथ जो है शौकत अली महर साहब हैं, चूँकि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट भी हैं, अभी मैं आपसे उन सब की भी मुलाकात करवाऊँगी। इसके अलावा मेरे साथ यहाँ पे मेरे दोस्त हैं, बहुत ही करीबी, बहुत अच्छे रफ़ीक हैं, और बहुत ही आला पाए के सिंगर हैं, उनको जो है आपको सुनने का मौका भी मिलेगा, बल्कि यूँ समझ लें, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि आज आपको मैं सुखविंदर को लाइव सुनाऊँगी, और आपने सुन के मुझे बताना है कि क्या वाकई सुखविंदर जी जो हैं वो लाइव हैं कि नहीं। और सुखविंदर जी जो है, सुखविंदर सिंह को गाना कोई आसान बात नहीं है, और हर कोई जो है उस लेवल तक पहुंच भी नहीं सकता और उस उतना अच्छा गा भी नहीं सकता, तो आज आपको लाइव में मेरे साथ उतना अच्छा गाने जो है गाना सुनने को भी मिलेगा। एक्टिंग प्रोजेक्ट बहुत अच्छा जा रहा है, कुछ मेरे उनके साथ मतलब इश्यूज़ हो गए थे जिसकी वजह से मुझे वो बहुत ही मतलब दिल बुरा हुआ और मुझे वो छोड़ना पड़ा बीच में, मतलब ईद पे वो चला प्ले, ईद पे, और मतलब पूरे रमज़ान, वो रमज़ान प्ले था एक्चुअली, तो रमज़ान प्ले जो है वो पूरे 30 दिन और ईद के 3 दिन भी चलता है, तो वो चला, लेकिन उसमें मेरे साथ कुछ ज़्यादती ये हुई कि मेरे शॉर्ट्स काट दिए सी है, ये अच्छी एक अलग डिबेट है, उस पर हम फिर कभी बात करेंगे, अभी तो अच्छी अच्छी खुशियों की बात है, तो खुशी को करना चाहिए। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग तो ये जानना चाहेंगे कि इतने अरसे बाद और क्यों चैनल एक अच्छा सा छोड़ के, और क्यों, दरअसल रिएक्शन चैनल एक ऐसी चीज़ थी जिसमें मेरी कोई क्रिएटिविटी नहीं थी, किसी के काम को देख के उस पर तनकीद या तारीफ़ करना बहुत ही आसान काम है, तो मुझे ये अपनी जो है ना अंदर से ये फील आता था कि कुछ ऐसा काम होना चाहिए जिसमें मेरी क्रिएटिविटी, मेरी क्रिएशन, मेरी इनोवेशन या मेरी जो है नज़र आए, मैं नज़र आऊँ, तो इस वजह से थोड़ा सा कुछ मेंटल इश्यूज़, कुछ मतलब यू नो, आई थिंक आर्टिस्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा हसास होता है, आप सब जानते होंगे, और वो बहुत जल्दी जो है ना हर चीज़ को महसूस करता है,
और मैं तो मतलब मैं तो उन लोगों में से हूँ जो ओवर थिंकिंग को भी ओवर थिंक करती हूँ कि मैं ओवर थिंक कर रही हूँ। खैर मेरी चाय ठंडी हो गई है तो आप सब चाय पियेंगे। थैंक यू सो मच। मैं साथ साथ आप सबके जो है ना वो मैसेजेस भी थैंक यू सो मच, सो स्वीट ऑफ यू। यस एक्चुअली हम सब अपनी अपनी जगह पे जो है ना अपने अपनी कैपेसिटी में जंग लड़ रहे हैं कहीं ना कहीं। कोई बड़ी जंग, कोई छोटी जंग, कोई अपने आप से जंग, कोई मुआशरे से जंग, सामने वाले से जंग, माहौल से जंग, बहुत सी चीज़ों से जंग। वी आर आर फाइटर्स और मेरे ख्याल में ज़रूरी भी है। तो अभी बहुत कुछ है, मैं चाह रही हूँ कि हाँ एग्जैक्टली यस सुदीप। लेकिन और ईद भी कुछ ख़ास नहीं इन्जॉय की है, लेकिन ये कि कुछ दोस्त ऐसे बहुत करीबी ऐसे होते हैं कि जिनसे ज़रूरी नहीं कि आप रोज़ मिलें या जिनके साथ आपकी हर वक्त बातचीत होती रहे तो वही दोस्ती हो। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि जिनको पता होता है कि आपकी क्या कैफियत है, क्या फील कर रहे हो, जिनके साथ आपको फॉर्मेलिटीज़ या बनावट नहीं करनी पड़ती। तो आज बस उन्हीं कुछ दोस्तों के साथ हूँ। थैंक यू सो मच, आई नो, लव यू ऑल। और यार इस लाइफ को और शेयर करें क्योंकि बहुत मज़े के अभी आप लोग गाने सुनने वाले हैं। तो बारी बारी मैं सबका तारुफ करवाऊंगी। सबसे पहले तो मेरे साथ मौजूद हैं कमाल के सिंगर और आपको एक गाना सुनाएंगे, उसके बाद आप फरमाइश भी कीजिएगा ज़रूर और बताइएगा कि कैसे हैं जी। आवाज़ शेख साहब, भरपूर तालियां हमारे साथ मौजूद हैं आवाज़ शेख जो कि बेहतरीन सिंगर हैं। लाइव गाना इतना अच्छा गाना कि सुनने वाले पे सहरदारी हो जाए ये हर किसी के बस की बात नहीं। आजकल ट्रैक का दौर है। और थैंक यू बॉबी सिंह, लव यू। म्यूचुअल फंड, हाँ मेरी एक्चुअली मैं थोड़ी सी इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का मिक्सचर टाइप हूँ तो इसलिए थोड़ी सी ये चीज़ें सोशल मीडिया या मीडिया वो थोड़ा सा उन लोगों के लिए है जो हर वक्त सेल्फी ले सकें, हर वक्त रेडी रहे। मैं मूड से मूडी हैं। वेल तो आवाज़ शेख साहब, आज आप हमारे सुनने वालों को क्या सुनाएंगे? आप इस वक्त लाइव हैं इंडिया में, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं और जब वो आपको सुनेंगे तो वो आपके दीवाने हो जाएंगे आई एम श्योर। तो क्या सुनाएंगे? थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। सत श्री अकाल जनाब, जितने लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और स्पेशली थैंक्स टू व्हाट्सएप, इन्होंने मेरा तारुफ करवाया। मेरे उस्ताद मोहतरम सखविंदर सिंह साहब, बड़ा वाला उन्होंने फैन हाँ, तगड़ा फैन। हम पहुँचते नहीं सकते उन्होंने दिक्कत, लेकिन एक छोटी जी कावश है जी। सुनाओ कुछ व्हाट्सएप। जरूर जरूर। बस्तियाबाद थी में जिथे यार साडे दी जो के ओ बस्तियाबाद थी में, ओ बस्तियाबाद थी में ये जिथे यार साडे दी जो के हो। दीवानों की बातें समझे बस दीवाने, इसमें दर्द है कैसा जो प्यार करे वो जाने, इसमें दर्द है कैसा जो प्यार करे वो जाने, इसमें दर्द है कैसा जो प्यार करे वो जाने। राम कसम एक पल भी अब मैं रह नहीं सकता दूर, जोगिया 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 जोगिया, तेरी अखियों में मेरा नूर सजन, तेरी अखियों में मेरा नूर, मैं तेरे इश्क में हो गया चूर, जोगिया
जोगिया जोगिया ओ पिया पिया सुन प्यार की मधुर बड़ी धुन शबनम गिली द गलियां खिली क्या महक उठा है गुलशन शम्मा ढली और शब ढली तेरा प्यार हुआ है रोशन रोशन चाहत के नगमे तो बोल हो पिया ओ पिया सुन प्यार की मधुर बड़ी क्या बात है मज़ा आ गया ना और पीछे बहुत ज़्यादा जो है ना मैसेजेस भी आ रहे हैं कि क्या बात हेलो गुरदीप थैंक यू सो मच फॉर कमिंग लव यू ऑल मुझे पता था कि आप सब जो है ना ज़रूर आएंगे और इसी तरह ज़रूर सपोर्ट करेंगे इट्स ओके लेकिन आपने मिस किया है भी गाना शायद आपने सुना है कि नहीं लेकिन अगर मिस किया है तो मुझे बता दें बाकी सबसे पूछ लें इनको कमेंट करके बताएं कि कैसा गाना था और आप भी सब बताएं कि कैसा लगा और अगर कोई फरमाइश है तो आज पूरी की जाएगी क्योंकि ईद का दिन है हम खुशियाँ बांटेंगे और अभी आपकी जो है मैं आपको एक और भी अभी नहीं मेरे सब ऐसे ना करें मेरे सब थोड़ा सा अच्छा वो सेटिंग कर रहे हैं अच्छा हमारे सीनियर जो सिंगर है वो हाँ, सेटिंग सीनियर हमारे पास एक बहुत ही सीनियर जो है अभी पर्सनालिटी पाकिस्तान के नामवर शख्सियत जो कि पाकिस्तान के सीनियर एडवोकेट भी हैं सुप्रीम कोर्ट के और आला पाए के वो वकील हैं इसके अलावा होम्योपैथिक में इनका बहुत इंटरेस्ट है और उस पर बहुत रिसर्च की हुई है और मैं उनसे आके हमेशा कहती रहती हूँ मेहर साहब मुझे इतना दवाई दे दे पतले होने की और इस दफ़ा तो मैं लेके भी नुस्खा लेके गई थी लेकिन मेहर साहब अभी कह रहे तुमने खाया नहीं मैं कह नहीं वो मिली नहीं है कह रहे मुझे तो मुझे दे नहीं रहे थे कह रहे थे कि नहीं तुम अच्छी खासी तो हो तुम्हें क्या ज़रूरत है मैंने कहा देखे स्क्रीन पर मैं बहुत मोटी आती हूँ मुझे पतले होने मैं जब क्वालिटी उनके अंदर और आपको हम जो है ना मेहर साहब की मैं वो बार बार बताऊंगी ना उनकी चीज़ें तो उसके अलावा मेहर साहब की जो एक और बेहतरीन क्वालिटी है जिसके लिए आज मैं लाइव भी आई हूँ पता है आज मैं आवाज़ आपके लिए और मेहर साहब के लिए लाइव आई हूँ क्योंकि मैंने थैंक यू प्लेजर तो मैंने ये सोचा कि इतने अच्छे जब सिंगर मेरे साथ हैं इतने मज़े के और इतने अच्छे हमारे पास जो है मेहर शौकत साहब हैं जो कि बहुत अच्छा माउथ ऑर्गन बजाते हैं माउथ ऑर्गन मैंने जो है बचपन में कहीं वो देखा था प्लास्टिक का और इस तरह आज तक मैंने कभी किसी को माउथ ऑर्गन प्ले करते हुए नहीं सुना और जी माउथ ऑर्गन बजाएंगे मेहर साहब आपको लाइव सुनाएंगे माउथ ऑर्गन और इस उम्र में ये नौजवान जो हैं वो इतनी जोश से जो है इतना ज़बरदस्त माउथ ऑर्गन बजा देंगे ना क्या हैरान हो जाएंगे प्लेजर प्लेजर रामधानु तरक्कियां बख्शे आमीन सुमामीन थैंक यू मैडम नाइला का भी थैंक यू सो मच और हमारे साथ हैं आयजा हमारी बहुत प्यारी दोस्त और ये भी जो है मॉडल है सोशल एक्टिविस्ट क्या क्या है क्या क्या है क्या क्या बताऊँ बहुत अच्छा कुक करती हैं अभी ये जो केक ये केक जो है ना अभी मैं सैंडविच खा चुकी हूँ और ये जो केक है ना ये बेक किया हुआ है आयजा हाँ वो हम खा चुके हैं उस पे हमने हाँ वो देखा ना वो क्रिएशन किया वो रह नहीं सकेंगे वो पीस भी जो है ना वो भी दिखाए के बाद तो ये केक अभी मैंने इससे इंसाफ नहीं किया सैंडविच अभी आएगा वो दिखाने के लिए आएगा लेकिन वो मैं खा जाऊंगी आएगा ये तुमने अगर किसी के लिए रखा था तो ये मैं खा जाऊंगी ये सैंडविच तारीफ का मिला मुझे वेल और अभी मैं आप सबसे जो है ना इंट्रोडक्शन बारी बारी कराऊंगी वो लग जा गले अच्छा ओ यस शी सीम्स वेरी वेल मैंने नहीं सुना आयजा ये छुपा हुआ टैलेंट कहाँ से अच्छा चले वो मेरे साथ पीछे जो है ना आपको सुनाने के लिए साउंड वगैरह और कैरियोकी तैयार कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि ज़रा मैं उसको देख लूँ काश कैसी भी कोई वो आ जाती मेरे ख्याल में आगे इनोवेशन ऐसी भी आ जाएगी कि फ़ोन से ही चीज़ें जो हैं ट्रांसफ़र हो जाएंगी फिलहाल मैं तो फिर मेरे साहब कहते हैं तुम कहती हो मैं पतली नहीं होती इतना तो नहीं खाती
नहीं नहीं अकेले कब खा रही हूँ, आप सब साथ हैं, आप सबके सामने खा रही हूँ। अच्छा ये आपको सुनाने के लिए तैयारियाँ हो रही हैं, मेरे सब गाना सुनाएंगे, माउथ ऑर्गन बजाएंगे जी सुखदीप, जरूर आप सबकी भी जो रिक्वेस्ट है वो आज पूरी की जाएगी क्योंकि आज ईद है। आज इतने अरसे बाद मैं लाइव आई हूँ तो आज सबकी फरमाइश पूरी होगी, पहले भी ऐसी आपकी फरमाइश और रिक्वेस्ट ही तो पूरी करती हूँ। कहाँ गए सब, मैसेजेस रुक गए हैं। थैंक यू सो मच, ये तो मैं ईद के तीनों दिन तैयार नहीं हूँ, सिर्फ एक दिन फैमिली ने ज़बरदस्ती उनको, बल्कि मैंने लेके जाना था तो मैंने कहा कि मैं कहीं नहीं जाती हूँ, तो एक दिन बस गई थी थोड़ी देर के लिए, उसके बाद तीनों दिन सिर्फ घर में काम ही किए हैं, मासी बनी रही हूँ, ईदें ऐसी गुजरती हैं। तो आज बस जब उन्होंने कहा कि ज़रूर आना है तो फिर मुझसे रहा नहीं गया कि हाँ अच्छी बात है, थोड़ी सी खुशियाँ बनानी चाहिए। फिर मैंने कहा कि इस मौके का फ़ायदा उठाऊँ और यही वो मौका है। बहुत हो गया सोचना कि मैं कब लाइव जाऊँगी, कब दोबारा से शुरू करूँगी, बस आज विदाउट प्रिपरेशन मैंने कहा आज आ ही जाती हूँ। मैं बॉबी सिंह मैंने सुनाया ना, आप सबने यहाँ से भाग जाना है, मैं नहीं सुना सकती। आगे बस जी, अभी हम कौन सा जी, थैंक यू सो मच शेख महमूद साहेब, अभी जो है ना मैं रिएक्शन वीडियो भी आएगी, बहुत कुछ आएगा, सब आएगा। अभी मेहर शौकत साहब जो है उनका तारुफ भी हो जाएगा और वो आपको सैयद वजाहत अली ज़ैदी वो भी सुनाएंगे ना वन बाय वन। हम यहाँ पे मौजूद सब लोगों से आपका जो है ना वन बाय वन जो है तारुफ करवाएंगे। और अभी एक जो है ना पर्सनालिटी, अभी दो का तो सिर्फ तारुफ हुआ है ना, गायबाना तारुफ हुआ, दिखाया नहीं है। तो मेहर साहब से पहले सुन लेते हैं, उसके बाद हमारे पास सैयद वजाहत अली ज़ैदी साहब भी मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान के बहुत ही नीम सिंगर हैं मेरी तरह, पाकिस्तान के बहुत ही बड़े प्रोड्यूसर हैं और जिन्होंने पाकिस्तान के हर बड़े चैनल के साथ जो है उनके काम किया है और बल्कि उनको उठाया है हर चैनल के। हमारा जो प्रोग्राम है वो ज़्यादा इंडिया में देखा गया है। और जियो बोल अब तक कौन सा था और अपना टीवी, अपना टीवी बोल टीवी और पता नहीं और एक दिन जियो का प्रोग्राम शायद आप लोगों ने देखा, एक दिन जियो के साथ उसके प्रोड्यूसर रह चुके हैं। सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग भी आता है आपको? हाँ। सिद्धू मूसेवाला का सुनेंगे यार, वो बहुत दुख हुआ, उनकी याद आज ज़रूर करेंगे। तो अभी महर शौकत साहब जो है ना वो तैयार बैठे हैं, आप सबको माउथ ऑर्गन के साथ जो है वो गाना सुनाएंगे। और इस जवानी में इतने भरपूर जोश के साथ माउथ ऑर्गन बजाना और गाना और वो जो है ना जवानी हमारे और ये यंग है बिल्कुल, अभी ये देखिए आपने किसी को माउथ ऑर्गन बजाते हुए नहीं सुना होगा मेरा ख्याल है, मैंने तो नहीं सुना अभी। हाँ नहीं इनकी बहुत है लेकिन अभी आज की वीडियो हाँ जी, ये जो प्रोग्राम नया स्टार्ट, शौकत अली मेहर साहब सीनियर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट और बहुत अच्छे माउथ ऑर्गन के आर्टिस्ट हमारे बहुत ही प्यारे सादे मोहतरम। हाँ जी मेहर साहब आप लाइव है सर? जी लाइव है जी, यस क्लैप इनका
इंजॉय कीजिएगा ज़रूर और अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा, अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा। सिद्धू से वाला को भी सुनेंगे हम। अब देखो रिजल्ट कैसे है। यहाँ ठीक है, ले जी सुनिएगा जी।
ख्याल रखना। बहुत खूब जबरदस्त। आई साहब आपकी तरफ करूँ, अब आप सुनाएंगे? यस ऑफ कोर्स। म्यूजिक बजाएंगे? हाँ, जैसे जैसे आप कहेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। जुगराज गिल सिंगिंग इन माइनिंग फिल्म ट्रेलर डायरेक्शन कर। जरूर जरूर जुगराज जी, सब कुछ होगा, लेकिन आज तो ईद मिलन है हमारे कुछ प्यारे दोस्तों के साथ, तो आज उनका हम टैलेंट आपको जो है ना, कुछ आर्टिस्ट जो है उनका आपको सुना रही हूँ, और उससे महसूस ज़रूर होइएगा, मतलब काफ़ी अर्से बाद आ रही हूँ देखो। और अभी हमने जो है ना यहाँ पे सुखविंदर जी को लाइव भी सुना है, तो आप सबको दोबारा भी सुनाएंगे। अभी हम सिद्धू मूसेवाला, सुखदीप सिंह आपकी फरमाइश अभी हमें जो है ना याद है, मेरी वर्ड फंबल कर रहे हैं तो उस पर माजरत, उस पर मेरी तस्वीर नहीं आ रही, आवाज आ रही होगी आप सबको। सुखबीर ने कहा जी वाह सर, बहुत तारीफ हुई आपकी, मैं पढ़ रही थी लाइव चैट, मेरे अंकल जी बहुत अच्छा बजा रहे हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, इंडिया से, इंडिया से कोई ना कोई। अभी सिद्धू मूसेवाला का गाना भी हमने सुनना है, ठीक है? आप आवाज शेख तैयारी कर ले, उतनी देर हम सुनते हैं आयजा को। तो ये है आयजा। हाय गाइस, ये है आयजा। इन्होंने ही अभी वो जो बनाया था ना, वो केक बेक किया था और सैंडविचेस। और अक्सर हम जब आते हैं तो इनके हाथ के मजे मजे के गाने गाते हैं, गाने गाते हैं, खाने के आए थे, मदद कीजिए। कोई बात नहीं, चीयर। Yeah.
इंट्रोडक्शन करवाऊंगी हमारी, बहुत से लोग तो अभी आज मिसिंग है क्योंकि हमारा बिल्कुल ही अचानक प्रोग्राम बना। कल इंशाल्लाह इसी तरह मैं आती रहूंगी और आपकी बहुत से लोगों से मुलाकात करवाती रहूंगी। बहुत से सिंगर ऐसे होंगे कि जो कि बहुत ही आपको मजे के उनसे गाने लाइव सुनने को मिलेंगे, बहुत सी ऐसी पर्सनैलिटीज जिनसे मिलके आपको देख के जिनको बहुत खुशी होगी। तो अभी मेरे साथ जो भी मैंने इंट्रोडक्शन करवाया था वजाहत जैदी साहब का, जो कि बहुत ही चैनल के बड़े प्रोड्यूसर हैं, बहुत ही उन्होंने ड्रामे बहुत से प्रोग्राम बड़े बड़े जो है पाकिस्तान चैनल्स के प्रोड्यूस किए हैं। तो चाहत फतेह अली खान पाकिस्तानी जो है, आप में से कोई उनको जानते हैं? तो आज जैदी साहब ये कह रहे हैं कि आप सब बहुत सुरीले सुरीले और अच्छे अच्छे गाने गा रहे हैं, तो मैं चाहत फतेह अली खान जो है ना उसको सुनाऊँगा। तो अगर तो आप में सब में कोई ऐसा है कि जो जानता हो चाहत फतेह अली खान को, आज जैदी साहब जो है ना चाहत फतेह अली खान का वो कॉपी करेंगे, उनको सुनाएंगे। आई होप कि आप कहाँ है प्लीज वहाँ मैंने वन आई नो थैंक यू सो मच फॉर मोटिवेटिंग मी। आपने शायद जज कर लिया कि मैं ऊपर देख रही थी। आई नो आज 2 साल बाद आ रही हूँ तो लोग गंदे पैरां नु दिते कच क्यों झूठे नु एथे फदारियां विकदा पे आए सच क्यों एहो जिया हुंदा है कारोबार किथे वे किते जाके तू विकया ओ बाजार किथे मेरे अरमाना दा होया दस बेपार किथे किथे जाके तू विकया
ओ बाजार किथे आ मेरे अरमाना दा होया दस व्यापार किथे आ दस पुत हेड तेरा डाउन कास्तू चंगा भला हसदा सी मून कास्तू अज जेड़े तेरे वजे दे बोल चुकी फिरदे चंगी तरह जानदा कौन कास्तू कुछ इत्थे चांदी चमकाना चाहते ने कुछ तेनू फड़ थले लाना चाहते ने कुछ कन्ने आए इत्थे भुखे फेम दे ना लेके तेरा अगे आना चाहते ने मुसीबत ता बंदे आती रही दबी ना तू दुनिया सवाद लैंदी है पर जेड़े रस्ते ते तू तुरे थे बदनामी हाई रेट मिलूगी नित कंट्रोवर्सी करेट मिलूगी धर्म दे नाम तो डिबेट मिलूगी सच बोलेगा ता मिलू 295 करेगा तरक्की पुत हेठ मिलूगी नित कंट्रोवर्सी करेट मिलूगी मैं धर्म दे नाम तो डिबेट मिलूगी सच बोलेगा ता मिलू 295 करेगा तरक्की पुत हेठ मिलूगी। ये हमने डेडिकेट किया है मोहतरम जनाब सिद्धू मूसेवाला के साथ। लव यू लव यू लव यू आवाज आपको भी और उससे कहीं ज्यादा हमारा लव प्यार मान सिद्धू मूसेवाला। खैर हम ज़्यादा बात करेंगे तो उदास हो जाएंगे। सिद्धू मूसेवाला जो है अनटाइमली उनकी जो सडन डेथ थी इट्स रियली शॉकिंग। मुझे अल्फाज मेरे जो है ना मुझे हाँ एग्जैक्टली और क्या आपने उनको मतलब गाया है हमने डेडिकेट किया उन्होंने हमें सिद्धू मूसेवाले ने सानू बहुत कुछ सिखाता कि पुत धर्मा के नाम तो डिबेट मिलूगी करेगा तरक्की पुत हेठ मिलूगी सच बोलेगा तो मिलू 295 करेगा तरक्की पुत हेठ मिलूगी जो कह गए ना सही गल कह गए इंडिया च भी वही पाकिस्तान च भी पूरी दुनिया में क्या उन्होंने ग्रेट मैन बल्कि ही इज अ ग्रेट मैन बिकॉज ही इज इलिटरेट इन आवर हार्ट्स एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो चाहत फतेह अली खान साहब ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਗਾਣਾ ਤੇ 5G ਸੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਚਾਹਤ ਵਾਲੀ ਲਿਖਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਚਾਹਤ ਵਾਲੀ ਸੁਣਾ ਕਿ ਉਸਕਾ 70 ਸੌਂਗ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ 70 ਸੌਂਗ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਉਸਕੀ ਕਾਫੀ ਸੌਂਗ ਹੈ ਨਾ ਆਪਕੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਤਾ ਹੈ ਹਾਂ ਸੁਣਾਏਗੇ ਅਭੀ ਜ਼ਰਾ फेस बंद है आज के लिए इतना ही आज अर्जेंटली पूरी हाँ अभी हमारा जो है ना ये समझ लें कि ये आज का ये जो है ना लाइव आना ये इंट्रो है एक टीजर है पिक्चर अभी बाकी है। हाँ जी मैं साहब एक और सुनाएंगे जी यार गाना एक गाना सा पहले उन्होंने माउथ सुनाया था अब वो दूसरा सुनाएंगे। मैं साहब का कैसा लगा आपको माउथ ऑर्गन पाकिस्तान में तो एटलीस्ट अब कोई भी नहीं बजाता ही इज वन एंड ओनली और अभी मैं साहब कह रहे हैं कि मैं ना एक और गाना सुनाऊंगा नेक्स्ट टाइम लेट्स कम लाइव ऑन इंस्टाग्राम श्योर आई विल ठीक है नेक्स्ट टाइम इंस्टाग्राम पे आऊँगी और आने से तकरीबन एक दिन पहले या मतलब अगर शाम को आना होगा तो सुबह जो है मैं पोस्ट लगा दूँगी ताकि आप जो है वो सबको पता हो टाइम का भी और श्योर सुखदीप बहुत कुछ होगा सब कुछ होगा अभी भारी भारी ना मतलब मेहर साहब कह रहे हैं कि मैंने गाना सुनाना है तो जरूर जी कैरी ऑन जटा मेहर साहब जरा ये सॉन्ग है ने बताएं कि मैंने उनके पास जाना था वहां से मैं इधर आ गया हूँ यहाँ से मैं निकल गया।
आप किधर हैं? मेहर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी महफिल में चार चांद लगा दिए आपने। और ही इज़ सो यंग, और इतनी यंग एज में इतने एनर्जी के साथ इतने अच्छे गाना गाना, माउथ ऑर्गन बजाना, क्योंकि माउथ ऑर्गन बजाना जो है वो मेरे ख्याल में उसके लिए दिल गुर्दे फेफड़े जो है ना बहुत मजबूत होने चाहिए, तो वो माशाल्लाह मेहर साहब की जो है वो हमसे बेहतर है। मैं अक्सर इनसे कहती हूँ मेहर साहब मुझे भी वो बताएं फार्मूला, तो वो कहते हैं कि टाइम से खाओ, टाइम से सो, अच्छा खाओ, हेल्दी खाओ, एक्सरसाइज करो, एक्टिव रहो, है ना, ऐसी चीज़ें कहते हैं। हाँ, लेकिन उस पर अमल हम किसी मतलब नहीं करते हमेशा की तरह। तो जी थैंक यू सो मच, आपको बहुत बहुत जो है ना लोग प्यार दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है अप्रिशिएट कर रहे हैं, और बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त। तो अभी क्या फरमाइश है, क्या आपके पास कुछ और है पिटारी में, क्या मूड है अभी, आवाज़ आपका कोई मूड है? और वो हमारे नीम चार फतेह अली खान साहब, चार फतेह अली खान किसी ने सुना नहीं, मैं कैसे सुनाऊँ? आप सुनाएंगे तो लोगों को पता चलेगा ना। वो आप इनसे पूछे किसी ने चाहत को सुना है? अच्छा, आप में से किसी ने चाहत फतेह अली खान को सुना है? पाकिस्तानी यूके में होता है, यूके में होता है। एक्चुअली हमारी वो देर से जाती है ना, लोगों के मैसेजेस भी देर से आते हैं। जी 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 जी, अच्छा मुझे बताएं चाहत फतेह अली खान को किसी ने सुना है पाकिस्तानी जो यूके से गाते हैं? माशाल्लाह क्या खूब गाते हैं, मुझे तो पहले तो ये समझना होगा कि क्या वो गाते हैं। ब्लूटूथ से कनेक्ट करूं? कॉन्टैक्ट क्या था? हिंदी सुन, वो नहीं, वो भी कोई वो नहीं गाते हैं, इंग्लिश नहीं गाते हैं। आप सुनाएं तो सही। उन्हें के पहले चाहत फतेह अली खान सर्च करके उसको देख लें, उसके बाद फिर मैंने गाना। तो वो चाहत फतेह अली खान को सर्च करेंगे तो यहाँ से लाइव चले जाएंगे? वो कह रहे हैं आप शुरू करो, हम बाद में सर्च कर लेंगे।
सर सुर नहीं मेरी कोई बात नहीं आपके सुर पक्के हैं भाई इंडिया में आप बहुत तो सही इंडिया में बहुत सुरीले हैं मैं इंडिया में जाके सारे सुन के आया नहीं आप सर एक दफा कहे ना हम आपके फैन सर आपने वो चाहत फतेह अली खान भी जितना सुरीला है वो बाद में देख लेंगे सर ये तो क्या सुनाई आप सुनाए मैंने सुना दिया तो ओ तो मैं कोई ये है कि आप सुनाएंगे कुछ चंद लोग बैठे रहेंगे जो मैं सुनाऊंगा फिर वो भी चले जाएंगे जी मैं सुन अच्छा सुनते हैं लाइव ही ना सुना देते फिर हां ठीक है करोके के साथ वाह जी वाह अभी हम सुनेंगे आवाज शेख साहब से लाइव ही ना गई थे निभाई भी ना गई थी और आप सब ने मुझे मैसेजेस करने हैं इंस्टा पे भी और यूट्यूब पे भी मैं वैसे ही लाइव डाल दूंगी पोस्ट कर दूंगी तो उस पर ज़रूर मैसेजेस करने हैं कि आपने फरमाइशें भी अपनी करनी है जो आप आवाज़ से सुनना चाहेंगे और भी कोई फरमाइश हो आपकी कुछ पेशकश जी जनाब पेशकश हो रही है जरा वो लिरिक्स और कैरियोके तैयार कर लें ना आवाज़ कैरियोके जरा कनेक्ट कर लें तो फिर हम सुनेंगे लाइव ही ना गई तेरे भाई भी ना गई वेलकम लीथल भट्ट साहब 131 की है यार थैंक यू फॉर कमिंग थैंक यू फॉर जॉइनिंग मेरा 131 की है ना 131 के नहीं मैं वो कह रही हूँ लोकेशन बता रही मैं उसको 131 बता रहा हूँ कह रही नहीं 300 लोगों को वेलकम जिन्होंने अभी ज्वाइन किया नहीं अब किधर 331 के जिन्होंने मिस कर दिए ना कोई बात नहीं वो लाइव मैं पोस्ट कर दूंगी उस पर वो सुने और मुझे मैसेज कर दीजिएगा कि वो जो है ना अगर उनकी और भी कोई फरमाइश तो अभी सुनते हैं हम चलो ठीक ठीक हेलो 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 जस्टिन हेलो 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 I'm gonna go to the hospital.
बहुत बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं सर, सलूटा सर जी, घंटा सर जी, और क्या बात है भाई, हैट्स ऑफ। और बाकी ताप पढ़ दी है कि रेगुलर रहो ते शेयर करो, सानु प्रमोट करो। अरे आप पढ़ साहब ने दोबारा चैनल जेड़ा ना इससे वास्ते रिव्यू कीता है ये सानु तो अड़ी भी मोहब्बत भी बड़ी लोड है। हाय सत के ते जे तो अड़ी एप्रिसिएशन रहेगी ते काम करेगा और बढ़िया काम करेगा। लो जी मैसेज जे आपने तो इंडिया में भी फैन बना लिया आज आपके लिए भाई, ये तो दिल जीत लेते हैं। और इनकी जो गायकी है ना वो रूह की सही गिजाए रूह तक उतर जाती है। क्या बात है, माशाल्लाह अल्लाह ने आपको गाने क्या जो है ना सुरीला गला दिया है। इंशाल्लाह भी करेंगे काम तो इंशाल्लाह 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 जरूर करेंगे। और जो है लोग जो है ना जरूर आपको सुनेंगे, प्यार मिलेगा हमें ऐसा ही उम्मीद है। थैंक यू सो मच, आज के लिए अभी इतना ही। मेरा मुंह बहुत बड़ा आ रहा है थोड़ा दूर शॉपनर चबा गए। और आज के लिए इतना ही। गिटार खोल दूँ पता नहीं क्या पंजाब बिल्कुल अभी हम हाँ इस चेयर के साथ इनके कुछ जो सुनाएंगे उसके साथ ही हम इख्तिताम करेंगे आज की इस लाइव का। और इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट टाइम इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी लाइव आएंगे और ऐसे ही आते जाते रहेंगे। तो अभी मेरी तरफ से फिर मिलाएंगे। वाह छेगा।
तो सुन लिया ना आपने, चढ़ के जाइयो ना, क्योंकि हम अब आते रहेंगे और आपका मनोरंजन, आपका एंटरटेनमेंट ऐसे ही चलता रहेगा, बल्कि इससे भी मजीद डे बाय डे जो है ना लेवल हाई होता जाएगा। तो आज का टीज़र से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आगे पिक्चर अभी जो बाकी है उसमें क्या क्या क्लाइमेक्स और क्या क्या जो है ना मज़ेदार चीज़ें होने वाली हैं। तो आप सब मेरे तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया कि इस महफिल को, इस लाइव को इतना रंगीन और इतना मज़ेदार बनाने के लिए। थैंक यू आयज़ा, आपके सैंडविचेस का, आपके केक का, और और मैर अली साहब वैसे अच्छा बन गया ये पुराना, एक वो बना लेंगे हम, की कहते हैं वो अपना एंडिंग। सब अल्लाह हाफिज कह दे, अल्लाह हाफिज, बाय, सब सबको फिर मिलेंगे, खुदा फिर, सत श्री अकाल, नमस्कार, अल्लाह हाफिज, फनकार सारे। करतार सिंह संघू लाइव डाल दूंगी, अपलोड कर दूंगी, आप सब देखिएगा, और देख के जो लोग अभी लेट आ रहे हैं, लेट कमर्स, कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच कि आप लोग आ रहे हैं, देर से ही सही आए तो सही, तो हमें ज्वाइन करते रह करिएगा। अभी मैं वीडियोस इस पे डालती रहूँगी और बहुत कुछ होगा, आपको बहुत मज़ा आएगा, मैं गारंटी देती हूँ। तो वीडियो डाल दूँगी, इस पे अपलोड कर दूँगी, जिन्होंने मिस किया वो ज़रूर उसको देखिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।